हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी पीओ 2020 के अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आए थे। ओके, डाटा इंटरप्रिटेशन सभी को पता है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे SBI है, IBPS है, RRB है, तो उसके लिए डाटा इंटरप्रिटेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आए थे वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सभी ने पहले इस सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, सभी ने सीरीज ज्वाइन कर लेनी है, फ्री है, कोई इसके चार्जेस नहीं है, सभी इसको ज्वाइन कर लेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। जब भी आप क्वेश्चन देखते हो डाटा इंटरप्रिटेशन का तो सबसे पहले ये देखो कि मेरे पास में जो भी DI आई हुई है, चाहे वो टेबल के फॉर्म में, चाहे पाई चार्ट के फॉर्म में, चाहे डाटा आपके पास में बार ग्राफ है, चाहे लाइन चार्ट है, जो आपकी DI है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पे उसके लिए हमने इंस्ट्रक्शन देखनी है, क्योंकि अगर हमें ये पता चल गया कि मेरी DI क्या रिप्रेजेंट कर रही है, देन यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन, आपके लिए काफी ईजी हो जाता है। Then, तो अब जैसे यहाँ पे यह क्या कह रहा है, इन द टेबल डाटा ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग इन एन इवेंट, 6 स्पोर्ट क्लब्स, 6 क्लब हैं, ABCDEF, एंड टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स गिवन है, और साथ में क्या गिवन है आपके पास, परसेंटेज ऑफ मेंबर्स पार्टिसिपेटेड, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अब ये है आपके पास में इसकी परसेंटेज गिवन है, बेटा 65%, 20%, 25%। अब अगर आपके पास में ये गिवन है कि कितनों ने पार्टिसिपेट किया है, तो हम क्या ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज टोटल जो है, टोटल हमेशा क्या होता है 100% के इक्वल है। अगर मुझे पता है कि कितनों ने पार्टिसिपेट किया, तो अगर मैं उसको माइनस कर दूं तो मेरे पास कौन आ जाएंगे, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहीं पे देखती हूँ कि भाई जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया वो कितने हैं, तो ये कितना 65% जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, दैट मीन्स कि कितनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 35% ने, यहाँ पे 80%, 75%, 70%, 65% एंड देन 60%। तो जहां पे भी आपको क्वेश्चन में मिलता पार्टिसिपेटेड, देन यू विल यूज दिस परसेंटेज वैल्यू, और जहां पे मिलता है कि नॉट पार्टिसिपेटेड तो उसके अंदर क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू यूज कर लेंगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब CNF हु डिड नॉट पार्टिसिपेट। अब यहां पे क्या कह रहा है, डिड नॉट पार्टिसिपेट। अब देखो सी का अगर हम देखें तो कितना है, 75% जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, 75% ऑफ व्हाट, जितनी भी सी की वैल्यू है 4800। दूसरा है आपके पास में एफ, देखिए एफ के अंदर कितनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 60% ने, कितनी वैल्यू है, 6750। क्लियर, अब देखिए इसको अब हम सोल्व करते हैं। ये देखो 25 की टेबल से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गए बेटा, 25 से 25 पांच 75, 25 दूनी 50, 25 सात 175। क्लियर, ये हो गया आपके पास में 25 से 75 आ गया, नहीं 3 आएगा बेटा, 25 से 75। क्लियर, अब यहां से ये हो गया, ये कितना आ गया आपके पास 90, दो जीरो ये है, ये दोनों जीरो इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगी, ये हो गया 6 8, दैट मीन्स की रेशियो क्या आ गया आपके पास, 8:9, क्या आ गया, 8:9, सो आंसर विल बी 8:9। डन, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ स्पोर्ट क्लब ए हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द इवेंट इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ स्पोर्ट डी। अब ए और डी हमने दोनों का चेक करना है, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया ए के कितने कम या ज्यादा है किससे, डी से। तो सबसे पहले हम ए का चेक करेंगे, ए के अंदर अगर हम देखें जिन्होंने पार्ट, यहां देखो क्या कह रहा है, हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द इवेंट, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब देखो यहां पे जिन्होंने नहीं किया, ए कहां पे है, ए ये है, 65% ने पार्टिसिपेट किया है, दैट मीन्स की 35 ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 35% किसका, जो भी वैल्यू गिवन, देखो परसेंटेज के लिए बेटा, ये मैं आप समझाने के लिए मैं आप लोगों को ऐसे लिख रही हूँ, वैसे ध्यान रखो कि परसेंटेज मींस कि जो आपके पास वैल्यू है सीधा डायरेक्टली आपकी दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आ जाएगा, दो डेसिमल से
इधर चले जाओ। ओके, तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे, ये हो गया अपने पास में 35 × 70, 70 × 140, एक ही वैल्यू आ गई। सेम वे वी विल फाइंड आउट फॉर डी। डी देखिए, डी के अंदर देखो क्या है, 5000 है टोटल, जिसमें से 30% ने पार्टिसिपेट किया है, दैट मीन्स जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया कितने हो गए, 70%, 70% ऑफ 5000। अब मैं क्या कह रही थी, यही कह रही थी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे यहां पे करेंगे कितना आ गया 3500, क्योंकि हमें पता है कि जो दो जीरोस हैं वो तो डायरेक्टली बेटा कैंसिल आउट हो ही जाने हैं। ओके, अब यहाँ पे अपने पास में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या आ रहा है कि कितना लेस है ए वाला, तो अगर हम देखें कि कितना लेस है, दोनों को माइनस करेंगे, इसके अंदर से अगर मैं इसको माइनस करती हूँ तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, ये आ गया 2100। बट इसने क्या कहा, कितना परसेंट लेस है, तो परसेंट के लिए क्या करेंगे, जिससे कंपेयर करना, डिवाइडेड बाय दैट वैल्यू, किससे कंपेयर करना हमने, डी से। डी की वैल्यू कितनी थी, 3500 × 100। ओके, ये हो गया बेटा आपके पास में 7 × 21, 7 × 5 = 35 और 5 से कितना आ गया, 60%। सो योर आंसर विल बी 60%। ओके, क्लियर? किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो, अगर डाउट आता है इन दैट केस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन फॉर पीडीएफ, ज्वाइन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है फॉर द टेस्ट सीरीज, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है। ओके, अगर आपने जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, SBI, IBPS, RRB, सभी के लिए लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहां से टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट फ्रॉम स्पोर्ट क्लब्स ABDEF, ABDEF, सभी का क्या करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। ओके, अब यहां पे सभी की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए हमें कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। बट एक बात बताती हूँ, जब भी आप DI पे क्वेश्चन करते हो ना, तो बेटा जब रफ वर्क कर रहे हो तो वहां पे उसको थोड़ा सा साफ साफ नोट डाउन कर लिया करो, बिकॉज कुछ वैल्यूज जो हम पहले कर चुके हैं कैलकुलेट, वही आपको आगे फर्दर यूज करने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम A का कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, F का कैलकुलेट कर चुके हैं, तो वही आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, तो पहले फाइंड आउट करते हैं हम A का, क्या फाइंड आउट करना है बेटा, नॉट पार्टिसिपेटेड, नॉट पार्टिसिपेटेड अभी हमने कैलकुलेट किया था 4000, 65% ने क्लब ज्वाइन किया, दैट मीन्स कि किन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, 35% ने, 35% ऑफ 4000, 35 फोर जा कितना हो गया आपके पास में, 1400 आ गया, ठीक है, कितना आ गया हमारे पास में 1400। सेम वे बी का देखोगे, बी देखिए, बी कितना है बेटा, 80% ने पार्टिसिपेट किया, दैट मीन्स कि 20% ने पार्टिसिपेट किया, 80% ने पार्टिसिपेट नहीं किया, नहीं किया तो वैल्यू कितनी आ गई, मैंने अभी आपको बताया, डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया करो, कितना आ गया, 972, ठीक है, और दो जीरो आपकी डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगी। ओके, परसेंटेज के साथ में। उसके बाद क्या है बेटा, डी, डी का देखिए, सी को कैंसिल आउट करेंगे, सी इसमें है नहीं, डी देखिए, 30% ने पार्टिसिपेट किया, 70% ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 70% कितना हो गया, 7 × 5 = 35, सीधा सीधा हो गया हमारे पास में 3500। ई, ई देखिए, ई क्या है, 35% ने पार्टिसिपेट किया, दैट मीन्स कि 65 ने पार्टिसिपेट नहीं किया, नहीं किया तो कितना हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, सीधा देखो 65% है, 65% को अगर हम डबल करेंगे तो कितना आ गया बेटा, 130 आ गया, और 130 से इसका भी हमने यहाँ पे देखा तो ये 3 times है, तो कितना हो गया आपके पास में, 130 × 3 = 390, तो कितना आ गया, 3900 आ गया, क्योंकि जीरोज का ध्यान रखना, सिर्फ दो ही जीरोज कैंसिल आउट करनी है आपको। एफ, एफ के लिए क्या है, 40% ने पार्टिसिपेट किया, दैट मीन्स कि 60% ने पार्टिसिपेट नहीं किया, सीधा इसको 6 से मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, तो 6 से करेंगे तो कितना आ गया बेटा, ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास में 6 × 5 = 30। क्लियर? एवरेज फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स क्या करेंगे, टोटल करेंगे, टोटल कितना आ गया, ये हो गया अपने पास में 0, 5, 6, 6, 5, 11, 9, 20। एवरेज, एवरेज कितना हो गया, दिस विल बी डिवाइडेड बाय 5, 5 से क्यों डिवाइड किया, बिकॉज वी हैव 5 वैल्यूज, यहाँ पे 5 से ना टोटल 1, 2, 3, 4, 5, सो आई विल डिवाइड इट बाय 5, 4010, सो आंसर विल बी ऑप्शन ई,
क्लियर? सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे. देखिए क्या है क्वेश्चन आपके पास. व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टिसिपेटेड. अब यहाँ पे देखिए बेटा ध्यान से, पार्टिसिपेटेड का है, डिडंट पार्टिसिपेट नहीं कह रहा, पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट फ्रॉम स्पोर्ट क्लब बी एंड सी. बी एंड सी के कौन से देखने हमने, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उनका डिफरेंस देखना है ना हमने. एंड नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट फ्रॉम स्पोर्ट्स डी एंड ई. डी और ई के कौन से, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया. इन दोनों का क्या चाहिए मुझे, डिफरेंस चाहिए. ओके, अब पहले कैलकुलेट करते हैं. बी और सी के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, बी 20% ने पार्टिसिपेट किया, दैट मींस कि 1800 ने पार्टिसिपेट किया है. सी 25% ने पार्टिसिपेट किया है, दैट मींस कि कितनों ने पार्टिसिपेट किया है, 1200 ने पार्टिसिपेट किया है. कितना हो गया आपके पास में, ये हो गया 3000 हो गया आपके पास. क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास, डी एंड ई दैट डिडंट पार्टिसिपेट, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है. अब देखिए डी और ई, डी का ये है पार्टिसिपेट, इन्होंने नहीं किया, कितने हैं 70%. ई के जिन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया कितने हैं 65%. अभी लास्ट क्वेश्चन में हम कैलकुलेट करके हटे है ना, 70% दैट मींस कि कितना हो गया 3500. 65% कितना था 3900. ये है बेटा नॉट पार्टिसिपेटेड डी एंड ई. डी एंड ई जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है. ओके, अब यहां पे ये क्या कह रहा है कि पार्टिसिपेट जिन्होंने किया है, यहां पे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है. ओके, तो यहां पे देखिए नॉट पार्टिसिपेटेड कितने आ गए ई के 65% कितना हो गया ये आपके पास, अभी हमने कैलकुलेट किया था 65%. 3339 है ना, 3900 आ गया था ना बेटा. यस, टोटल करिए ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी 004 and 7, 7400. करना क्या है, डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा है. डिफरेंस कितना आ गया, 7400 minus 3000 मीन्स 4400. सो योर आंसर विल बी 4400. हाँ जी बताइए, कोई डाउट हो, किसी को कोई भी माइनर सा डाउट. क्लियर? अगर डाउट आता है कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. अगर समझ आ रहा है शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स. जिस भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ में कॉन्टैक्ट आपका जो कि बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्पेशली, ओके, जो बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, टेलीग्राम के थ्रू आप उनके साथ जुड़े हुए हो या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़े हो, तो उस पर आप इसको शेयर करेंगे. नेक्स्ट देखिए क्या है, If 30% of the members of participated in event from sports club B played badminton. अब पहले तो देखो क्या कह रहा है, 30% of the members participated. पहला तो point है participated, not participated. Okay? Participated in the event from the sport club B. Badminton and rest played hockey, cricket and football. कह रहा है कि जो 30% है वो तो badminton खेलते हैं, जो बाकी के उनके other games है like आपके पास हॉकी क्रिकेट एंड फुटबॉल. और इनकी भी क्या कह रहे हो, रेशियो गिवन है. देन द नंबर ऑफ मेंबर्स हु प्लेड फुटबॉल इज, फुटबॉल वाले आपको फाइंड आउट करना. सबसे पहले ये देखो कि जो आपके पास में बी क्लब है उसके अंदर कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है. बी क्लब में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 20% ने. 20% That means कि 1800 लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया. ठीक है, अब 1800 के अंदर से क्या कह रहा है, 30% ने क्या गेम खेल रहे हैं, वो बैडमिंटन. बैडमिंटन के कितने, 30% किसका, इसका 1800 का. That means कि कितना हो गया, 540 लोग हो गए. That means कि जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितने रह गए हमारे पास में, इन दोनों का माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, ये हो गया 067 से ही हो गया बेटा 2. ओके, इतने लोगों ने क्या किया है, उसने बचे हुए. अब इन बचे हुए लोगों के अंदर से अलग अलग गेम्स खेल रहे हैं बाकी के लोग, क्या क्या है, हॉकी क्रिकेट एंड फुटबॉल. हॉकी क्रिकेट एंड फुटबॉल इन रेशियो ऑफ 2:4:3 एंड वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर फुटबॉल मेंबर्स. तो फुटबॉल कैसे फाइंड आउट करोगे, 3 divided by सम टोटल. सम टोटल कितना हो गया, ये 4, ये हो गया आपके पास में 6 और 3 9 into
दैट मीन्स 420. ओके, सो योर आंसर विल बी 420. ओके, क्लियर है? क्लियर है? रेशियो का कंसेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए, परसेंटेज का भी. जब भी डीआई करना शुरू करते हो, उससे लिए पहले आपका रेशियो और आपका परसेंटेज का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डीआई आ गया बेटा, पाई चार्ट पे बेस्ड है. पाई चार्ट पे बेस्ड है. पाई चार्ट क्या कहता है कि आपका जो टोटल डाटा है दैट इज डिवाइडेड इंटू स्लाइसेस. ओके, और ये जो टोटल है ये कितना होता है? 100% होता है. अगर हम परसेंटेज में देखें तो 100% है. अगर हम डिग्रीज में देखें, एंगल में देखें, तो कितना होता है? 360 डिग्री होता है. कितना होता है? 360 डिग्री. ओके, नाउ चेक व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग. द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल आइटम सोल्ड बाय सिक्स इंडियन कंपनीज. सिक्स इंडियन कंपनीज का अपने पास में जितने भी आइटम सोल्ड हैं उसका डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब यहां पे क्या है, इफ टोटल आइटम मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया, टोटल आपके पास गिवन है कितना, एंड डिफेक्टिव आइटम्स, डिफेक्टिव भी गिवन है, कितना है? 840. देन फाइंड द आइटम सोल्ड बाय सी इज हाउ मच मोर देन और लेस देन ई. कह रहा है कि कितना कम या ज्यादा है किससे? ई से. सी और ई को आपको कंपेयर करना है. अगर होता कितना परसेंट कम ज्यादा है, अगर सिर्फ आपके पास क्वेश्चन होता कितना परसेंट कम ज्यादा है, इन दैट केस आपको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली यहीं से आंसर कर देते. बट यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए आपको यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. अब यहाँ पे एक और पॉइंट गिवन है, आइटम विच आर डिफेक्टिव कांट बी सोल्ड. दैट मीन्स कि जो डिफेक्टिव है वो सेल नहीं हो सकते. जो बाकी के हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये गिवन है आपके पास में. ओके, तो रिमेनिंग कितने रह गए आपके पास में जिसको हम सोल्व कर सकते हैं? तो ये हो गया आपके पास में, ये वैल्यू आ गई. ठीक है, अब हमें चेक करना है सी का किससे? ई से. सी और ई का अंदर देखो डिफरेंस कितना है. सी और ई, सी कितना है बेटा? 12%. ई कितना है अपने पास? 17%. दैट मीन्स कि जो सी है आपके पास में और ई दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5% का डिफरेंस आ रहा है. कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5% का डिफरेंस आ रहा है. दैट मीन्स व्हाट? कि सी इज 5% लेस देन. बट 5% वैसे नहीं आंसर करना, मीन्स यहां पे डिफरेंस मेरे पास 5% आ रहा है, 5% ऑफ दिस. ओके, तो यहां पे अपने पास जो डिफरेंस आ जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा? 5% ऑफ 10320. ओके, ये हो गया आपके पास दो से बेटा पांच, एक और छ, कितना आ गया? 516. क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट, फाइंड द रेशियो बिटवीन द आइटम सोल्ड बाय बी टू दैट ऑफ आइटम सोल्ड बाय ई. बी और ई, अब आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है बी और ई की. अब यहां पे अपने माइंड में एक पॉइंट आता है कि टोटल तो मुझे पता ही नहीं है, टोटल तो मुझे पता ही नहीं है. बट एक बात देखो बेटा, जो भी ये परसेंटेज है ये सभी के अंदर टोटल की है, सभी के अंदर परसेंटेज टोटल की है. और जब आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है तो टोटल से टोटल क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा. तो अगर आपके पास टोटल नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. देखो कैसे, आइटम सोल्ड बाय बी एंड ई. अब बी का देखो कितना है? 16%. तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? 16% ऑफ टोटल आइटम सोल्ड. ठीक है, और यहाँ पे ई कितना है अपने पास? 17%. तो हम क्या कहेंगे? 17% ऑफ टोटल. अब यहाँ पे टोटल की चाहिए कुछ मर्जी वैल्यू, इट डजेंट मैटर, ये तो कैंसिल आउट हो गया पूरे के पूरे वैल्यू. कितना रह गया? 16:17. क्या आंसर आ जाएगा? 16:17 विल बी द करेक्ट आंसर. डन, यस. नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, करिए शाबाश. कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी पीडीएफ डाउनलोड करने के अंदर, तो उसके लिए बेटा क्या करना है, आपने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक अवेलेबल है तो उस लिंक से आप पोर्टल पे जाओगे, वहां पे सेम लेक्चर मिल जाएगा आपको. जब आप उसको ज्वाइन करते हो तो आपको सेम लेक्चर वहां पे मिल जाएगा. वहां पे जब आप लेक्चर देखते हो तो उसके नीचे आ रहा होगा डाउनलोड पीडीएफ, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो. ओके, हाँ जी, देखिए क्या, इफ चाइना मेक्स 97500 आइटम्स विच इज 3900 मोर देन द आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया.
कह रहा है कि चाइना जो है इतने आइटम्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब इंडिया क्या कह रहा है, इंडिया कितना कर रहा है इससे 39, ये कह रहा है कि इससे इंडिया इतना कम कर रहा है। जब चाइना इतना ज्यादा कर रहा है दैट मीन्स कि इंडिया उतना ही कम कर रहा है, तो इंडिया का कितना आ जाएगा आपके पास में, क्योंकि हमने तो इंडिया का ये जो चार्ट गिवन है दिस इज फॉर इंडिया, ओके। तो यहाँ पे इंडिया का कितना आ गया, इसके अंदर से इसको आप माइनस कर दोगे, माइनस करो वैल्यू कितनी आ गई, 0 0 6, ठीक है, इतने हो गए आइटम्स। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, देन फाइंड द एवरेज ऑफ द आइटम सोल्ड बाय बी एंड डी, बी और डी के एवरेज फाइंड आउट करने। अब देखो बी का है 16% ऑफ टोटल, डी का है 15% ऑफ टोटल। तो अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज कितनी आ जाएगी, 15 + 16 / 2% ऑफ टोटल, ओके। दैट मींस कि 31 / 2% ऑफ टोटल, परसेंट के लिए बेटा सो हो गया, और वैल्यू कितनी, 93600, ओके। इसको सॉल्व करो आप, आंसर आ जाएगा आपका, ये हो गया आपके पास, हाँ जी, ये हो गया 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, क्लियर। सॉल्व करेंगे बेटा, सॉल्व कर लो, 31 दैट मींस कि जिसकी यूनिट डिजिट 8 होगी वही आंसर होगा, सॉल्व कर लेना इसको, इसकी है, फिर भी एक बार कैलकुलेशन जरूर कर लेना, ठीक है, एक बार कैलकुलेशन कर लेना, सी विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताइए, कोई इसमें डाउट? देखो बेटा यहाँ पे ये कह रहा है कि चाइना ने इतने आइटम्स प्रोड्यूस करे हैं, ठीक है। अब चाइना ने इतने बनाए, विच आर 3900 मोर, ये इंडिया वाले से 3900 मोर है, दैट मीन्स कि इंडिया ने कितने बनाए, 3900 कम बनाए, तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, इसके अंदर से इसको माइनस कर देंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टोटल आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया इज 42,000, इंडिया के क्या कह रहा है, 42,000 आइटम्स है, देन फाइंड द आइटम सोल्ड बाय एफ इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द आइटम सोल्ड बाय डी। अब यहां पे आपको बताना है एफ और डी, एफ है 20% ऑफ टोटल एंड डी इज 15% ऑफ टोटल। अब दो तरीके हैं, पहले आप एफ का टोटल करो, ठीक है, डी का क्या टोटल करो, और फिर उसके बाद में कंपेयर करो। दूसरा तरीका क्या है कि जरूरत नहीं है इसको कैलकुलेट करने की, सीधा यहीं से ही आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि दोनों वैल्यूज तो वही, टोटल तो दोनों के लिए सेम है ना, टोटल से टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहीं से आप कर सकते हो। यहां पे उसने क्या कहा, देन फाइंड द आइटम्स सोल्ड बाय एफ इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन डी, एफ का है 20%, कितना मोर है 5, किससे सोल्ड बाय डी, डी का कितना बेटा 15% इंटू 100, कितना आ गया 33:1/3%, सो योर आंसर विल बी 33:1/3% डायरेक्ट। देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट द टोटल आइटम सोल्ड बाय एफ एंड टोटल आइटम सोल्ड बाय डी, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे क्या है, इफ द इफ आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड बाय पाकिस्तान इज 50,400, पाकिस्तान का गिवन, विच इज 20% मोर देन द आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया, जो कि इंडिया से कितना ज्यादा है, कह रहा है कि 5% ज्यादा है, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द आइटम सोल्ड बिटवीन सी एंड ई। अब डिफरेंस फाइंड आउट करना है, परसेंटेज नहीं कैलकुलेट करनी, तो उस केस के अंदर आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि भारत ने कितने बनाए। तो जब इंडिया की बात आ रही है तो वैसे तो देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन के अंदर इसमें गिवन है कि कितने है, 42,000 है, ठीक है, बट फिर भी कई बार क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मान लो पिछले क्वेश्चन में नहीं गिवन है, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रिलेटेड नहीं आ रहे, तो हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है ना, कैलकुलेट हमें करना आना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करें। तो देखो जब भी मोर और लेस की बात आती है ना, तो सीधा सीधा परसेंटेज को माइंड में रखो, कितना 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, ओके, दैट मींस कि ये अगर टोटल है तो ये ज्यादा है, ओके तो अगर हम मोर की बात करते हैं तो कितना मोर है, 1 मोर है, ये किसकी वैल्यू लेंगे हम, किससे ज्यादा है, ये इंडिया से, दैट मींस कि इसको हम इंडिया के लिए लेंगे कितना 5, तो पाकिस्तान के लिए कितना लेंगे बेटा
6। और यू कैन से इसको इस तरह से आप ले सकते हो, जब मोर और लेस की बात आ रही है तो रेशियो आ गया हमारे पास पाकिस्तान और इंडिया की, इंडिया का कितना हो गया 5 और पाकिस्तान का कितना हो गया, ओके क्या हो गया, हमने इसके अंदर 1 को ऐड कर दिया, मोर है ना, अगर लेस होता तो हम इसके अंदर से इसको माइनस कर देते, डन। अब उसने कितना कहा 5 0 4 0 0, अगर 6 की वैल्यू कितनी है 5 0 4 0 0, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, हाँ जी 5 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा 5 0 4 0 0 by 6 into 5, करो हो गया 6 8 48, 6 चौके 24 कितना आ गया 45 42। आफ्टर कैलकुलेशन अगेन द वैल्यू इज 42,000, कितनी आ रही है 42,000 आ रही है, हाँ जी। तो देखिए वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, दिस इज 42,000, ओके क्लियर है। आप देखिए 42,000 के बाद में अब ये क्या कह रहा है हमें, हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इफ द मैन्युफैक्चर्ड बाय पाकिस्तान इज दिस 20% मोर है, 20% मोर के अकॉर्डिंग हमने इंडिया की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब हमारे पास में टोटल कितना आ गया 42,000। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस ऑफ द आइटम सोल्ड बाय सी एंड ई, सी और ई के आइटम्स का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो अब देखो यहाँ पे सी का कितना है 12%, ई का कितना है 70%, दैट मीन्स कि डिफरेंस कितना है, हाँ जी डिफरेंस कितना है आपके पास 5% ऑफ टोटल, क्लियर, दैट मीन्स व्हाट कितना हो गया आपके पास 5% ऑफ टोटल, कितना आपके पास में 42,000, क्लियर। तो कितना आ गया आपके पास में वैल्यू, दिस इज 21,000। डायरेक्टली कर लिया करो, वैसे जरूरत नहीं है इसको बाय 100 करने की, देखो 5% कह रहा है ना, 10% कितना होगा, 10% कितना हो गया 4200 हो गया। देखो एक नंबर है मान लो मेरे पास में ये है, हमें पता है कि पूरा किसके इक्वल होता है 100% के, अगर 10% करना है 10 कम कर दो कितना हो गया 10%, ठीक है 5% करना है इसका हाफ कर दो कितना हो गया 2100, क्लियर। तो डायरेक्टली करने की कोशिश करो, इस मेथड को यूज नहीं करना, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल बिगनर है जिनका भी परसेंटेज का कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है, तो इसलिए सभी पॉइंट्स बताने पड़ते हैं, बट कोशिश ऐसे करो, जैसे 1% कितना हो गया सीधा 420 हो गया, 5% वैसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। तो आई होप सभी को क्लियर हुआ है, 2 DIs मैंने करवाई है, 1 I, ये दोनों के दोनों 2020 के अंदर आई हुई थी, ओके तो इस तरह से ही है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे DI का पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ओके। सो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, सभी ने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक अवेलेबल है सभी ने ज्वाइन करना है, ओके थैंक यू।